दोस्तों आपका स्वागत है आराध्या अवाना यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीक में अपना ये सैमसंग गैलेक्सी M30s मोबाइल परचेज किया था और आज मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। एक हफ्ते में से ज़्यादा मैं इसको यूज कर चुका हूँ। अगर मैं इसकी चार्जिंग क्वालिटी देखूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है चार्जिंग की, फास्ट चार्ज होता है मोटरोला के मोबाइल्स के अकॉर्डिंग भी। मोटोरोला की तो खैर मैं बात नहीं करूँगा, मैं काफ़ी परेशान हो चुका था मोटोरोला से, उसके बाद में मैंने ये सैमसंग ही यूज किया। इससे पहले भी मैं सैमसंग ही यूज करता था, बीच में एक बार मोटोरोला लिया तो 5 से 6 बार में कस्टमर केयर पे गया सर्विस सेंटर पे। इसके साथ जो चार्जर आता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चार्जर है और बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। बात आती है डिस्प्ले, डिस्प्ले इतना अच्छा इसका चल रहा है कि एकदम बढ़िया फंटास्टिक डिस्प्ले है। आप जैसे चाहे वैसे चलाइए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। काफ़ी अच्छा और स्मूथ डिस्प्ले है और कोई भी किसी भी प्रकार की हीटिंग की तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। आप बिना किसी भी झिझक के ये ना सोचें कि इसमें हीटिंग का या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा, इसमें कोई भी हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। और कैमरे वाइज देखते हैं हम तो इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके 3 कैमरे दिए हैं इसमें और फ्लैश भी काफ़ी अच्छा है, फिंगर सेंसर बहुत अच्छा है, फेस डिटेक्टर काफ़ी अच्छा है। तो क्वालिटी वाइज तो मैं इसको दोस्तों बोलूँगा बहुत अच्छा मोबाइल है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप कोई मोबाइल परचेज करना चाहते हैं तो बहुत सस्ते प्राइस में भी है, इतना ज़्यादा इसका महंगा प्राइस भी नहीं है। और 4 GB या 6 GB के साथ में जो भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। दोस्तों मैंने तो ये 6 GB रैम और 128 ROM के साथ में परचेज किया है। तो अगर आपको ये मोबाइल कोई लेना चाहता है कोई भी, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।